राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा जो लोग तहसील में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या किसी भी समस्या को लेकर आते हैं, उसका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए और कार्यालय का साइन बोर्ड भी लगा होना चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज मैं तहसील में आई थी तो कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे जो लोग आते हैं उनको पता नहीं चलता किस तरफ जाना है, कहाँ प्रमाण पत्र बन रहे हैं, कहाँ खतौनियाँ हैं, कहाँ पे कौन बैठा है। साइन बोर्ड यहाँ पे हैं नहीं, नीचे से जब ऊपर आते हैं तो भी तहसील को ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तहसीलदार साहब को और हमारे एसडीएम साहब को मैंने बताया है कि लोगों को कम से कम असुविधा है और यहाँ हेल्प डेस्क एक बन जाए।